दोस्तों हमारे साथ हैं मनोहर यार जोशी साहब, जो कांग्रेस पार्टी के करावल नगर जो जिला है उसके अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में निकाला है कैंडल मार्च। जोशी साहब, क्या उद्देश्य रहा है इस कैंडल मार्च का, क्या जरूरत थी? देखिए, जरूरत ये थी, हमें वो दिन याद दिलाना था जब 2016 में नोटबंदी की ऑल ऑफ सडन, तो लोग क्या पूरा देश स्तंभ हो गया कि अचानक रात को कहीं, मेरे ख्याल 8 बजे ये अनाउंस हो गया कि जिसके पास जो नोट है, जो पहला नोट था, आज से वो नोट बिल्कुल सिफर हो गया। तो जो लोग, आपने देखा होगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, गरीब हैं, लोग मजदूर हैं या किसान हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों की शादी के एजुकेशन के लिए इकट्ठा करते हैं, वो जब उनको ये पता लगा कि वो जीरो हो गया पैसा, तो उन पर क्या बीती होगी। और इसके चलते हुए शायद आपको याद होगा कि 100 डेथ हुई थी, किसी की लाइन में लग के, किसी के हागे में, किसी को हादसे में ऐसा हुआ, किसी को ऐसा हुआ कि जिसकी बेटी की शादी थी उसके पास 2 पैसे नहीं थे। और ये सब सिस्टम आज हमने देश को ये याद दिला कि इसकी अर्थव्यवस्था पर इस नोटबंदी का क्या असर पड़ा। और उस असर को अगर हम डिटेल में जाएं, वर्ड बाय पॉइंट बाय पॉइंट, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2014 से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था थी वो 5% थी पूरे वर्ल्ड में आज, और उस समय ये अंदाज लगा जा रहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो स्थान होगा पूरे वर्ल्ड में, वो 3rd नंबर पर होगा। लेकिन उसके बजाय आज 7वें नंबर पर हम खिसक के आ गए। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ हमें ले जा रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक RBI हमारी एक ऐसी संस्था है, RBI में जो पैसा है वो किसी भी इमरजेंसी के लिए, देश में आपात स्थिति के लिए, संकटकालीन के लिए, युद्ध समय के लिए या और दूसरी आपदाएं आ जाए उसके लिए होता है। लेकिन पिछले 70 सालों में गवर्नमेंट किसी की भी आई हो, किसी ने, हमारे साथ युद्ध भी हुए, हमने देश में युद्ध भी झेले, दूसरी आपात स्थिति भी झेली, लेकिन RBI का पैसा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। यहाँ पर 1 लाख आई थिंक मोर देन 65,000 करोड़ रुपी जो RBI से भी लोन लेकर के इस देश में लगा दिया, बैंक के बंद होगी। और आज 13 लाख पूरे देश में जो मकान है, फ्लैट्स हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, और जिनकी कीमत करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए बैठती है, अगर हम उसको आज भी बेचना शुरू करें तो इसमें करीब 5 साल लग जाएंगे। आज जो बैंकों का लोन है, जो एक आम व्यक्ति बैंक का लोन लेता है, उसमें उसकी किस्त नहीं जा रही। किसान जो है, जो बैंक का लोन लिया, आज किस्त देने को मजबूर है, और अपनी उस चीज़ के लिए आत्महत्या हो रही है बहुत सी। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में और इधर सारा का सारा जो किसान है, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, उड़ीसा, यहाँ लोगों ने, जो किसानों ने आत्महत्या की, वो केवल इस नोटबंदी के चलते की। तो आज कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आज 3 वर्ष के बाद में जो आप ये 12 दिवस के रूप में मना रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे देश को नुकसान हुआ है, तो ये सिर्फ एक गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में या पूरे देश में या पूरी दिल्ली में? देखिए, पूरे देश में है, पूरे देश के जिलों में है, और आज दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन एक ही टाइम में सब जगह ये ऑब्जर्व किया गया, और पूरी दिल्ली में ये काला दिवस मनाया गया। हमने पिछले साल भी कनॉट प्लेस में काले कपड़े पहन करके इसको ऑब्जर्व किया था। हम हर साल अपनी यहाँ की जनता को ये याद दिलाते हैं कि ये जो काला दिवस है, जिस नाम से ये गवर्नमेंट आई थी BJP, कि हम काला धन वापस लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसमें काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जिस लोगों ने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा अपनी गुदड़ी में भी बना कर रखा था, वो भी उन्होंने छीन लिया। तो ये जो अर्थव्यवस्था पर, इसका छोटे रोजगार पर, किसानों पर, और बिल्डर्स, जो छोटे बिल्डर्स या प्रॉपर्टी का काम करते थे, भवन निर्माण का काम करते थे, उन पर भी ये असर पड़ा, और ये देखने को मिल रहा है। निकट भविष्य में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाएगी नोटबंदी को? सर्टेनली, देखिए, कल हमने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, कल हमने प्याज पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, प्याज के मुद्दे को लेकर, प्याज आज 100 रुपये के पार कर गया, जो आम और तुम्हारा जो टमाटर्स है वो भी 80-85 रुपये है, लहसुन है वो 300 रुपये है। तो आप ये बताइए कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो रोज़मर्रा एक आम आदमी की रसोई का काम करती है, आज वो रसोई बंद होने के कगार पर है, यहाँ की अर्थव्यवस्था डायलिसिस पे है, और दूसरा जो रोज़गार है वो कोमा में चले गए,
ये किसी से छिपा नहीं है। ये दोनों सरकारें मिलकर के इस देश को बहकाने का बड़े बड़े जुल्म क्या कहते हैं उसको अफवाहें और क्या जुमलेबाजी करती है, उस जुमलेबाजी में ये दोनों सरकारें चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है इस देश को टोटल गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन आज ये पूरा देश का जो जनता जनार्दन है वो ये समझ चुकी है कि झूठ के अलावा और कुछ नहीं।